हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं राजस्थानी पुलाव। राजस्थानी पुलाव के लिए मैंने चावल उबलने रख दिए हैं और वो लगभग सभी को आते हैं कि चावल कैसे उबालते हैं, तो मैं उसके आगे की प्रोसेस बताती हूँ। हमें पहले 1 से 1.5 कटोरी बेसन लेंगे। राजस्थानी पुलाव में मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं गट्टे, बेसन के गट्टे। तो हम पहले बेसन के गट्टे बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 1 से 1.5 कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें मैं ये आधा टीस्पून करीब लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम डाला है। वन फोर्थ टी स्पून करीब हींग, मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, इसे हम हथेली पर ऐसे मसल के डालेंगे। और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन बेसन में डालने से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और थोड़ी सी जो किसी को बेसन की वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है तो ये अजवाइन डालने के बाद वो नहीं होती है, तो आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। अब हम ये मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मतलब 1 टेबल स्पून करीब ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक टाइट डो लगा लेंगे। बेसन में पानी कभी भी एकदम से नहीं डालना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम से बेसन में पानी डालते हैं तो वो गीला हो जाता है। बेसन में पानी थोड़ा कम डलता है। ये देखिए, ये हमारा गट्टे के लिए जो हमने आटा तैयार किया था, ये ऐसा मतलब इतना टाइट होना चाहिए। अब हम इसे 5 से 7 मिनट, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम आटे के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके और उनके ऐसे रोल बना लेंगे। रोल बहुत ज्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं। ये बस, ये जो हम रोल बनाएंगे वो इस साइज का होना चाहिए। इस तरीके से हम आटे के सारे रोल बना लेंगे। ये हमारे सारे रोल बन गए हैं। अब हम इसे बॉईल होने के लिए रखेंगे। ये मैंने पानी पहले गर्म होने रख दिया था और ये पानी अब अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें ये एक-एक करके सारे रोल डाल देंगे। इसे बॉईल होने में करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये बॉईल हो रहे हैं, 10 से 15 मिनट इसको टाइम लगेगा। तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। मतलब ये गट्टे ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से, तो मतलब ये लगभग हो चुके हैं, ये उबल जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। और फिर भी अगर थोड़ा सा लगे तो हम इसको इस तरीके से तोड़ के देख लें, अगर ये हाथ में नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब ये हो गए हैं। अब हम इन्हें एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम ये जो हमने गट्टे बनाए हैं इनको ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। अब थोड़ा ठंडा होने का वेट कीजिएगा, 2-5 मिनट बाद जब वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये आराम से कट जाएंगे।
इसे बारीक बारीक काटना। पुलाव बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग। जीरा तड़क गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और अब इसमें जाएगा 1 बारीक कटा प्याज। अब हम प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हरा मटर। आप चाहें तो इसमें बॉईल हरे मटर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा सीजे हुए या पके हुए मटर नहीं अच्छे लगते हैं तो आप ऐसे बिना सीजे हुए इसमें ही थोड़े से ऑयल में हम इसको कर लेंगे, अगर हम वैसे ही डालते हैं तो। वैसे पुलाव में ज़्यादा सीजे हुए मटर अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये ऑयल में ही जो थोड़े से हम इसको ढक के पका लेंगे। अब हम इसमें गट्टे डालेंगे। गट्टे हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे, इसलिए हमें मतलब इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम इसे तेल में इसे सौटे कर लेंगे। ये सब हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं, गैस की जो लो है वो आप कम ही रखें। देखिए ये मटर, बस हमें इतनी ही मटर पकी हुई चाहिए, ज्यादा नहीं पकानी है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। आप मिर्च अपने हिसाब से डालें, इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो आप जैसा खाते हैं तीखा तो ज्यादा डालें, और अगर कम तीखा खाते हैं तो कम डालें। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अगर आपने चावल उबालने में नमक डाला है तो इसमें नमक इस वक्त कम डालें, और अगर आपने उबालने में चावल में नमक नहीं डाला है तो फिर आप इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा डालें, क्योंकि हमारे चावल में नमक नहीं है। हम इसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई सौंफ डालेंगे, और 1/2 टीस्पून करीब गरम मसाला डालेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब। अब हम इसमें उबले हुए चावल मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें बॉईल आलू भी डालेंगे, मैं उस वक्त डालना भूल गई। आलू टोटल ऑप्शनल है, आलू इसमें आप अगर पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। हम 2 से 3 मिनट बस इसे ढक कर, वैसे तो हमारी सभी सामग्री पकी हुई है पर एक उसमें मसाले रम जाएं, इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट ढक कर और पका लेंगे। हमारा पुलाव कंप्लीट हो गया है, ये अच्छे से इसमें सारे मसाले भी ऐड हो गए हैं और चावल में अच्छे से अब्सॉर्ब भी हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा राजस्थानी गट्टे का पुलाव कंप्लीट है। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थानी पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अपने घर पर ट्राई कीजिए,
और प्लीज फ्रेंड्स, मेरा चैनल जायका इंदौर का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मिलकर बनाएंगे स्वाद कुछ खास।